लॉकडाउन 3 में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 30,000 से कम सैलरी वाले सभी भारतीयों को मिलेगी बड़ी सुविधाएं। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट अपडेट की, तो क्या बड़ा अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। चलते हैं अपडेट की ओर। दोस्तों लॉकडाउन के बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने ESI योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी की है। CNBC आवाज के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कम सैलरी वाले ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को मेडिकल और कैश बेनिफिट देने के लिए सरकार ESIC के तहत कवरेज की सीमा बढ़ा सकती है। श्रम मंत्रालय ने कवरेज के लिए कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दे दिया है। 30,000 रुपये तक किसी की सैलरी वालों को मिलेगा बड़ा फायदा। सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों के कवरेज के लिए सैलरी की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव लिया गया है। श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव के तहत सैलरी सीमा 21,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये का प्रस्ताव किया गया है। जिन कर्मचारियों की ग्रास सैलरी 30,000 रुपये है उन कर्मचारियों को ESI कवरेज का फायदा मिलेगा और ESIC स्कीम में बीमार पड़ने पर सैलरी प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए कंपनियों पर बोझ कम होगा, साथ ही लॉकडाउन में जरूरी मेडिकल कवरेज का बोझ कम होगा। अभी करीब 12.50 लाख कंपनियों को फायदा मिल रहा है। PPF में निवेश पर सरकार गारंटी मिलती है। आपको बता दें कि ESI योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपये से कम हो और जो कम से कम 10,000 कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम करते हो। इससे पहले साल 2016 तक मासिक आय की सीमा 15,000 रुपये थी, जिसे 1 जनवरी 2017 में बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया था। लॉकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से की गई 5 बड़ी घोषणाएँ, मिलती रहेगी सभी सुविधाएँ। ESIC के ऐलान किया है कि लॉकडाउन के चलते भी जो कंपनियाँ कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाती है उसके बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएगी। एक्सपायर कार्ड कर सकते हैं इस्तेमाल, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से भी ले सकते दवाइयां, अन्य अस्पतालों में हो सकता है इलाज। जिन ESIC अस्पतालों को COVID-19 अस्पताल में बदल दिया गया है वहां इलाज कराने जाने वाले कर्मचारियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नियमित तौर पर इन अस्पतालों में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ESIC के कई अस्पतालों से समझौता किया है, उन अस्पतालों में भी कर्मचारियों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। कंपनियों को मिली बड़ी राहत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। देशभर में किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की सोशल सिक्योरिटी स्कीम से फरवरी में 11.56 लाख नए मेंबर जुड़े हैं। इससे पहले जनवरी में ESIC ने 12.19 लाख नए मेंबर रजिस्टर्ड हुए थे। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, लॉकडाउन 3 में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है और 30,000 से कम सैलरी वालों की सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है, साथ ही उन्हें फायदा मिलेगा ESIC का। तो वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, रह सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।